हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा एक तरह की वीडियो, और तो आज का जो हमारा वीडियो है गाइस, बता दूं ये वीवो का हमारे पास एक फ़ोन है और वीवो का U10 मॉडल है। जैसा कि मैं बता दूं ये लेटेस्ट मॉडल है। मैंने इसको क्यों खोला हुआ है मैं भी ये बताऊंगा। तो इसमें पैटर्न लगा हुआ है, उसके पैटर्न को हम इजिली रिमूव करने वाले हैं। तो चलिए, आपने इतना तो वीडियो बहुत सारा देखा होगा पैटर्न कैसे रिमूव करते हैं सारा कुछ, बट मैं आपको इस वीडियो में कुछ अलग दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो का ये टॉपिक ये है कि विदाउट डाटा लॉस, मतलब गाइस विदाउट डाटा लॉस आपको यहाँ पे, मैं सारा कुछ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। विदाउट डाटा लॉस आपको यहाँ पे मतलब इसका पैटर्न हटाएंगे। तो गाइस आज का जो टॉपिक है विदाउट डाटा लॉस पैटर्न अनलॉक। तो ये वीवो का U10 मॉडल है और यहाँ पे मैं अभी जब आप वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो इसका जो टेस्ट पॉइंट है ये तो आप तीन देख रहे हैं, राइट के जो तो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं वो इसके एडीएल टेस्ट पॉइंट है जिसमें आपका क्वालकॉम का पोर्ट बनाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा कुछ यहाँ पे हम करते हैं विद प्रैक्टिकल। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो गाइज हम इसको UMT से करने वाले हैं, और जैसा कि आप नॉर्मल हमेशा देखते हो कैसे इसको करते हैं कैसे नहीं करते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा विदाउट डाटा लॉस, मतलब बिना डाटा लॉस किए हुए हम इसको यहाँ पे करने वाले हैं। तो सिंपल और सिंपल आपको जाना कहाँ पे है गाइज, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आपको सिंपल और सिंपल जाना है, सीधा अपने क्वालकॉम के रीडन टूल पे जाना है, वहाँ पे अपना ब्रांड सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। तो मॉडल मैं ले लेता हूँ U10, जैसा कि आप देख पा रहे हो U10 मैंने ले लिया है। अब उसके बाद सिंपल सिंपल गाइज आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं जब आप इस ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेट लॉक वीवो, आपको रिसेट लॉक वीवो पे क्लिक करना है और एक्सक्लूड पे आपको कर देना है। अब उसके बाद आपको एडियल टेस्ट पॉइंट, आपको साइड में एक एडियल टेस्ट पॉइंट शो हो रहा होगा, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ आप साइड में देख पा रहे होगे वहाँ पे एक एडियल टेस्ट पॉइंट शो हो रहा होगा जिसमें आपको इसको कनेक्ट करना है और ट्वीजर से कनेक्ट करना है और USB केबल लगाना है। मैं वही प्रोसेस कर रहा हूँ और ट्वीजर से कनेक्ट करूंगा, और देख सकते हैं जैसे ही हमने इसको टच किया और हमारा क्वालकॉम पोर्ट बना चुका है। और देखते हैं गाइस कि विदाउट डाटा लॉस अनलॉकिंग होता है कि नहीं। आपने काफी सारे वीडियो देखे पर मैं विद प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ विदाउट डाटा लॉस अनलॉकिंग। वीवो का लेटेस्ट मॉडल है U10, और देखते हैं गाइस कि ये अनलॉक होता है कि नहीं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर हम दिखाएंगे कि हमारा डाटा बचता है कि नहीं बचता है गाइस। तो मेन टॉपिक होता है इसमें आपका डाटा गैलरी बस नहीं गाइस, इसमें आपका A to Z डाटा बच जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे ये वही मॉडल है और यहाँ पे रिसेट हो चुका है। और चलिए अपने फोन की स्क्रीन में दिखाते हैं ये हमारा जॉब डन हुआ कि नहीं। ये वही मॉडल है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो गाइस। तो चलिए गाइज मैंने बैटरी लगा दिया है, अब इसको ऑन करते हैं और ऑन करके देखते हैं कि हमारा ये वही फ़ोन है जैसा आपने पहले मैंने आपको दिखा दिया था। अब देखिए ऑन हो रहा है, थोड़ा सा लगेगा इसको फॉर्मेटिंग में टाइम। तो ये वही फ़ोन है और आप साइड में भी देखोगे कि मैंने जो यहाँ पे हटाया है इसी फ़ोन का हटाया है, अभी बूट हो रहा है गाइज। और बूट होने के साथ साथ अभी जैसे ही हो जाएगा कम्प्लीटली फिर हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी ये वही फ़ोन है और यहाँ पे यही फ़ोन हमने हटाया हुआ है, रिमूव तो हो गया है हमारा, 100% जॉब डन हो चुका है। अब बट यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा लग रहा है टाइम, और वो टाइम लगने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा डाटा बचा कि नहीं। तो गाइज फाइनली कम्प्लीटली फ़ोन ऑन हो चुका है, अब देखते हैं कि मेन हमारा डाटा बचा कि नहीं बचा, मतलब अनलॉक हुआ कि नहीं हुआ गाइज। तो मैं एक बार फिर से पावर की प्रेस कर देता हूँ और फिर चेक करता हूँ कि हमारा जो डाटा है हमारा पैटर्न अनलॉक हुआ कि नहीं हुआ बेसिकली। तो चलिए स्वाइप अप करते हैं और ये जॉब डन हो गया गाइज। मतलब ये जो ऑप्शन है गाइज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये ऑप्शन वर्किंग ऑप्शन है, और ये देख सकते हैं आपका जो भी A to Z डाटा होगा वो डाटा बच जाएगा, आपका A to Z डाटा आपका बच जाएगा गाइज। तो आई होप ये ट्रिक आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा और आप भी ट्राई करिए, कमेंट करिएगा अगर आपका भी काम होता है। ये वही फ़ोन है, ऐसा नहीं कि मैंने दूसरा फ़ोन ले लिया हो, ये वही फ़ोन है जो कि आपके सामने हमने करके दिखाया। अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, पैटर्न भी आपका अनलॉक हो चुका है। थैंक यू सो मच।